Hello friends, welcome back to another video. Today we're gonna discuss about how to clean a dialyzer, how to reuse a dialyzer. You guys use your dialyzer, how to clean, what is the process. This video will show you how to clean the dialyzer with the help of a Retron machine. Let's go. तो आप लोग देख सकते हो फर्स्टली हम क्या करेंगे वीनस आउटलेट को इसमें कनेक्ट किया जा रहा है फिर डायलिजेड इनलेट लगेगा इसके अंदर फिर आपका आउटलेट डायलिजेड फिर आरटीएल इनलेट ठीक है इसके बाद ये देखो बटन दिए गए सबसे ऊपर आपका ऑन का बटन है जैसे ये अभी होगा ठीक है सबसे पहले क्या करना है आपको ऑन पे दबा देना है ठीक है ये थोड़ी देर के लिए आपको रुकना है फिर पहले मैं आपको बटन दिखा रही ये ऑफ का है इसके नीचे आपका होल्ड टू सेट स्टार्ट प्रोसेस सैनिटाइज म्यूट अलार्म रीसेट डिस्प्ले अब देखिए ये कैसे होता है सबसे पहले होल्ड टू सेट किया होल्ड टू सेट यहाँ पे करना पड़ता है वॉल्यूम इसका कितना वॉल्यूम आप रखना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है डायलिजर के ऊपर ठीक है फिर आप चलते नीचे आपका इसमें देखो लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा आपको दोनों बटन को एक साथ ठीक है इस लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपका यहाँ पे जब 00 आ जाएगा ठीक है मेक श्योर ये आपका आना चाहिए उसके बाद ही आप फर्दर स्टेप फिर आप स्टार्ट प्रोसेस पे क्लिक कर दोगे फिर आपका ये स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो देख सकते हो आप यहाँ पे डिस्प्ले में नंबर चल रहा है नीचे ठीक है 03 तो जैसा आप देख सकते हो इसमें हमारा ये कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस पूरा तो इसमें लिखा भी आ रहा है प्रोसेस कंप्लीट तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू गाइज इंजॉयड दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ऑफ दिस चैनल टू गेट मोर वीडियोज रिगार्डिंग हेल्थ एंड हेल्थ केयर टिप्स थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो